नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब में आज हम जानेंगे कि गुटखा खाने की आदत की वजह से अगर मुंह खुलने में उसके बाद दिक्कत होने लग जाए, मुंह कम खुले और गाल भी ज़्यादा कटने लगे तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये कितना खतरनाक है। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ENT स्पेशलिस्ट में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। बिहार में लोगों को खास तौर से गुटखा खाने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, अगर पूरे देश की भी बात करें तो काफ़ी कॉमन आदत है ये। लेकिन गुटखा खाने की वजह से एक वक्त के बाद मुंह कम खुलने लगता है, गाल भी काफ़ी कटने लगते हैं, तो मैं चाहूँगी अब दर्शकों को बताएं कि पहले तो ये आदत कितनी खतरनाक है और ये मुँह कम खुलना, इसका फिर इलाज क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुटखा खाने से सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर्स होते हैं, जिसमें गुटखा में एक कंटेंट होता है जिसके कारण हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर्स होते हैं। इसमें जो लोग गुटखा खाते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ शुरुआती दौर में ये होती है कि उनका मुंह खोलना धीरे धीरे बंद होने लगता है। जनरली जब हम अपने हाथ मुंह के अंदर उंगली डालते हैं तो नॉर्मल लोग 4 उंगली मुंह में आसानी से डाल सकते हैं, बट गुटखा खाने से क्या होता है कि धीरे 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 मुंह में जकड़न की समस्या शुरू होने लगती है और उनका मुंह खुलना धीरे धीरे बंद हो जाता है, जिसे हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें मुँह की ओपनिंग जो होती है वो धीरे 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 कम होने लगती है। तो ये एक तरह से खतरे की निशानी है, क्योंकि आगे चलकर ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो शुरुआती दौर में हम इसके इलाज के लिए सबसे पहले पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप गुटखा छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। बहुत सारे मरीज़ बहुत तरह का इलाज कराते हैं बट उनका गुटखा खाना चालू रहता है, तो वैसे में इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुरुआती दौर में जब इस तरह की तकलीफ होती है तो हम उन्हें इंजेक्शंस एडवाइज़ करते हैं, जिसमें एक इंजेक्शन ट्रायमसिलोलोन और इंजेक्शन हाइलुरोनिडेज का कॉम्बिनेशन मिला के इंजेक्शन जबड़े के अंदर दिया जाता है। इंजेक्शन बेसिकली हम लोग हफ्ते में एक बार देते हैं और ये इंजेक्शन 1.5 से 2 महीने दिया जाता है, मतलब टोटल 8 डोज दिए जाते हैं। और साथ ही साथ माउथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें ट्रेन किया जाता है कि कैसे मुँह को खोला जाए। बट सबसे ज़रूरी है कि गुटखा खाना छोड़ना है, क्योंकि गुटखा से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मुंह का कैंसर होता है जी। तो मैम अगर कोई ये दिक्कत लेकर आपके पास अगर आते हैं कि उनका मुंह नहीं खुल रहा है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा? उसके लिए मैंने जैसा आपको बताया कि माउथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, जिसमें मुंह में जैसे बोलते हैं कि एक 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 पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको मुंह में डालने के बाद उसके अगर चाबी टाइप की लगी रहती है, अगर उसे ओपन करो तो मुंह खुल जाता है, या नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ मुंह के अंदर उंगली डाल के या कुछ, मतलब माउथ को स्ट्रेच करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज माउथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये हो गया। दूसरी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन ट्रायमसिलोलोन एंड इंजेक्शन हाइलुरोनिडेज, ये दोनों को मिलाकर मुंह के अंदर सुई दी जाती है। उससे धीरे धीरे क्या होता है कि जो फाइब्रोसिस के कारण जो जबड़े जगड़ जाते हैं वो धीरे धीरे वो खुलता है और उसके बाद मुँह धीरे 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 खुलना शुरू होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको गुटखा छोड़ना है जी। और मैम ये गाल कटने की जो समस्या है, हाँ, इसके लिए क्या इलाज दिया जाता है, क्योंकि इससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। गुटखा खाने से तो गाल कट ही रहा है लेकिन उसके बाद गाल इस तरीके से हो जाते हैं कि कुछ भी खाओ या गलती से भी दांत लग जाए तो कट भी जाते हैं और तकलीफ भी बहुत देते हैं। गाल कटने की जो समस्या होती है तो सबसे पहले हम लोग उनके मुंह का इंस्पेक्शन कहते हैं। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि कभी कभी दांत बहुत तीखी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज शार्प जैग टीथ। उसके कारण बार बार जब भी लोग कुछ चबाते हैं तो वहाँ पे मुंह का अंदर का चमड़ा कट जाता है। बट इस तरह से बार बार जो मुंह के चमड़े कट जाते हैं ये सेफ नहीं है। हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोगों में जिसमें ऐसा कोई भी एडिक्शन नहीं है बट उसमें ये हिस्ट्री देखी गई है कि जब भी वो कुछ खाते हैं तो उनके अंदर बार बार वो मुंह का चमड़ा कट जाता है, जो कि कंटिन्यूस फ्रिक्शन से वो कभी कभी कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग हमेशा पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप किसी डेंटिस्ट को मिलके वो जो तीखी दांत है उसको आप थोड़ा स्मूथ करा लीजिए, और इसके अलावा हम लोग कुछ मल्टीविटामिंस और एंटॉक्सिड्स देते हैं कि वो जो ओरल म्यूकोजा है वो धीरे धीरे हील कर जाए जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बोली हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।